कमरे के कोने में कोई अद्भुत मिठाई रखी है। हाँ चलो उसे भी खा कर देखते हैं। अरे रुको, ये तो अत्यंत विचित्र बात है। अब हम क्या करें? हम यहाँ हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। तो इसका मतलब ये सब मायाजाल तुमने फैलाया? हाँ, किंतु इसके पीछे एक कारण है। कई साल पहले की बात है, ये जंगल एक नगर हुआ करता था। और मैं यहाँ का राजा। मुझे खाने पीने एवं आराम करने के अलावा कुछ नहीं आता था। मुझे अपनी प्रजा के भले बुरे से कोई मतलब नहीं था। एक बार मेरे नगर में भुखमरी छाई, किंतु मैंने अपने नगरवासियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर मुझे एक महान ऋषि ने श्राप दिया। हे राजा, मुझे दिन रात भोजन करने एवं आराम करने के अलावा कुछ नहीं आता, जबकि तेरी प्रजा सड़कों पर भूखी मर रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि 3 दिन के अंदर ये नगर बंजर हो जाएगा और तू अकेला इस महल में रहेगा। मेरे कई बार क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस महल में आकर अपनी हर बुरी आदत को वश में कर सकेगा तो ही तुझे मुक्ति मिलेगी। तुमने अपने लालच, आलस और गुस्से तीनों को अपने वश में कर लिया है। धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। किंतु तुम्हारे पास ये सारी जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई? ये शक्तियाँ भी मुझे उस ऋषि ने दी, जिससे मैं महल में आए लोगों को फंसा सकूं। और मैं तुम्हारे मायाजाल में इसलिए नहीं फंसा क्योंकि गुरु ब्रिगुरुराज ने पहले ही मुझे चेतावनी दे दी थी। हमारे पास केवल आज का दिन है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। किंतु हम इतने शीघ्र नीलकंठ पर्वत कैसे पहुँचेंगे? मेरे पास एक जादुई रथ है जो तुम्हें कुछ ही क्षणों में नीलकंठ पर्वत पहुंचा देगा। धन्यवाद। ये लो, इसे गदा कहते हैं और ये एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है। ये तुम्हें किसी भी दानव का संहार करने में सहायता करेगा। धन्यवाद। Thank you.
चूटी मुझे दो। देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।